हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बारे में। जानेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगा है और कब कब किस किस टाइम पे लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल GKNGS अपडेट पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में यानी कि अब तक 2022 तक उत्तर प्रदेश में कुल 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें अगर हम अब बात करेंगे पहला राष्ट्रपति शासन कब लगाया था, तो जो उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन, प्रथम राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी सन 1959 को लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन था, पहला राष्ट्रपति शासन था, वह 25 फरवरी सन 1968 से 26 फरवरी सन 1969 तक चला था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब उत्तर प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के बारे में यानी कि उत्तर प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन वो 2 अक्टूबर सन 1970 को लगाया गया था। और हम बात करें ये कब तक चला था, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो दूसरा राष्ट्रपति शासन था वो 2 अक्टूबर सन 1970 से 18 अक्टूबर सन 1970 तक चला था। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया था वो कब लगाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन 13 जून सन 1973 को लगाया गया था। और हम बात करें कितने दिनों तक चला था, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा राष्ट्रपति शासन 13 जून 1973 से 8 नवंबर सन 1973 तक चला था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चौथे राष्ट्रपति शासन की, जो कि 30 नवंबर सन 1975 को लगाया गया था। अगर हम बात करें कि ये कब तक चला था, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा राष्ट्रपति शासन है वो 30 नवंबर सन 1975 से 21 जनवरी सन 1976 तक चला था। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पाँचवें राष्ट्रपति शासन के बारे में, जो कि 30 अप्रैल सन 1977 को लगाया गया था। हम अगर बात करें ये कितने दिनों तक चला था, तो उत्तर प्रदेश का पांचवा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल सन 1977 से 23 जून सन 1977 तक चला था। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश के छठवें राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में छठवां राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी सन 1980 को लगाया गया था। और अगर हम बात करें छठवां राष्ट्रपति शासन कब तक चला था, तो उत्तर प्रदेश का छठवां राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी सन 1980 से 9 जून सन 1980 तक चला था। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सातवें राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सातवां राष्ट्रपति शासन 6 दिसंबर सन 1992 को लगाया गया था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सातवां राष्ट्रपति शासन कब तक चला था, तो उत्तर प्रदेश का सातवां राष्ट्रपति शासन 6 दिसंबर सन 1992 से 4 दिसंबर सन 1993 तक चला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के आठवें राष्ट्रपति शासन के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आठवां राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में आठवां राष्ट्रपति शासन 18 अक्टूबर सन 1995 में लगाया गया था। और अगर हम बात करें कब तक चला था, तो उत्तर प्रदेश का आठवां राष्ट्रपति शासन 18 अक्टूबर सन 1995 से 17 अक्टूबर सन 1996 तक चला था। हम बात करें अब लास्ट में यानी कि उत्तर प्रदेश के नौवें राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जो नौवां राष्ट्रपति शासन था वो 8 मार्च सन 2002 को लगाया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट यानी कि नौवां राष्ट्रपति शासन कब तक चला था, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो नौवां राष्ट्रपति शासन लगा था वो 8 मार्च सन 2002 से 3 मई सन 2002 तक चला था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।